Hey pretty girls and handsome boys, welcome or welcome back to my channel. तो आज का जो हमारा सवाल है वो है कि एडमिशन कहाँ लेना है, रेवेन्शा यूनिवर्सिटी या उत्कल यूनिवर्सिटी। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि जो बच्चे कन्फ्यूज़ रहते कि एडमिशन कहाँ लेना है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मेरे साथ है उत्कल यूनिवर्सिटी के ही एक स्टूडेंट जिनको आपने मेरे चैनल पर पहले भी देखा है, तो उनसे मिलते हैं। चलिए तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद जो है हमारा मुलाकात हो रहा है और हम आए हैं पूजा के चैनल पे आप लोगों से बात करने के लिए इस बारे में कि भाई एडमिशन के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, उत्कल अच्छा है या फिर रेवेन्शा अच्छा है। ठीक है, तो आज जो है हमारा फुल डिस्कशन होने वाला है इसी बात के ऊपर, तो बात स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पहले बात करेंगे लोकेशन के ऊपर। ठीक है, तो पूजा ज़रा बता दो कहाँ पर है। तो जो रेवेन्शा यूनिवर्सिटी है वो मेन कटक में है और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइक 1-2 मिनट का रास्ता है। और जो भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, क्योंकि जो नॉन ओडिया बच्चे आएंगे वो डेफिनेटली एयरपोर्ट होके आएंगे, तो फिर वो यहाँ से सिर्फ 45 मिनट्स की दूरी है। और जो यूनिवर्सिटी जो है वो सिचुएटेड है कॉलेज स्क्वायर में, विच इज़ वेरी फेमस फॉर रेवेन्शा यूनिवर्सिटी एंड इट्स स्ट्रीट फूड। तो खाना बहुत अच्छा मिलेगा आपको, रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आसपास घूमने की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। और अब बात करते हैं जो उत्कल यूनिवर्सिटी है उसका लोकेशन कहाँ पर। ठीक है, तो उत्कल है अगर आप कटक से जा रहे हो भुवनेश्वर की तरफ तो पहला स्टॉप आ जाता है रसूलगढ़, रसूलगढ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आ जाता है वो है वाणीविहार। और वाणीविहार को जो है लोग जानते हैं उत्कल यूनिवर्सिटी के नाम से भी। ठीक है, और तो भाई पास में ही है, मतलब जो वाणीविहार का जो स्क्वायर है ना उसके जस्ट सामने ही उत्कल यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ही पास में। और स्टेशन से अगर आओगे तो आपको मोबस मिल जाएगा, कहीं बोल दो कि भाई वाणीविहार जाना है और वाणीविहार मतलब उत्कल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पास में ही, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है, 5 रुपीज़ लगता है टिकट। वगैरह मार्केट की बात करें तो कैंपस के अंदर भी काफ़ी मार्केट है। ठीक है, उत्कल के मार्केट है। हाँ, उत्कल अच्छा। में जो है मैं देखा हूँ, मतलब आप अगर मेरा ब्लॉग देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि उत्कल के अंदर भी मार्केट्स हैं। हर एक हॉस्टल के आसपास आपको थोड़ा मार्केट मिल जाएगा जहाँ पे आप सामान खरीद सकते हो, डेली यूज़ का सामान, सर्फ, कपड़े, जूते, मोजे, थोड़ा बहुत सामान जो भी है आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात कर लिया हमने लोकेशन का, और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो बात करते हैं कैंपस की। तो जो रेवेन्शा यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो फैला हुआ है 87 एकड़स में, और कैंपस के अंदर जो है आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा जहाँ बहुत कुछ खाने पीने की सब चीज़ें हैं, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हो सकता है वहाँ से। एंड देन हमारा जो लाइब्रेरी है कनिका लाइब्रेरी, वो उड़ीसा का लार्जेस्ट लाइब्रेरी जो है यहीं पर है, बहुत अच्छा दिखता है वो भी अंदर से, लाइक उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है पढ़ाई करने वाला। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा, तो जो कैंपस है वो एकदम ब्यूटीफुल लश ग्रीन कैंपस दिखेगा आपको, जैसे कि आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्कल यूनिवर्सिटी की। तो कैंपस काफ़ी बड़ा है, अगर मैं बात करूँ साइज़ का ना तो शायद 2 रेवेन्शा उसमें फिट हो जाएगा, इतना बड़ा कैंपस है। और मेनली थोड़ा सा जंगल टाइप का है, तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इतना मतलब डेवलप नहीं हुआ है। 5 रेवेन्शा, हाँ 5 रेवेन्शा फिट हो रहा है, 400 एकड़ में फैला और रेवेन्शा सिर्फ 87 में, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो। और अंदर में कैफेटेरिया तो अंदर में नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे कैंटीन वगैरह है तो कैफेटेरिया का क्या ही जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। और प्लेग्राउंड्स तो है, ठीक है, जिम वगैरह भी है पर इतना अच्छा नहीं है। जिम रेवेन्शा यूनिवर्सिटी में भी है, जिम जो है वो बहुत ही अच्छा है, हॉस्टल के अपने, किसी किसी हॉस्टल के अपने जिम है, और गर्ल्स का भी जिम है, बॉयज़ का भी जिम है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, किसी भी टाइम शाम को जा सकते हो आप। इनका तो भाई जिम बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो हमारा उत्कल का जिम है बहुत ही बेकार, ख़राब, सड़ा हुआ, पुराने ज़माने के सारे इक्विपमेंट रखा हुआ है। कैंपस काफ़ी बड़ा है लेकिन, और खूबसूरत तो नहीं कहूँगा, अभी डेवलपमेंट चल रहा है काफ़ी, काफ़ी बाउंड्रीज वगैरह बन रहे हैं। कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर है, रेवेन्शा कैंपस बहुत खूबसूरत भी है, रेड कलर बिल्डिंग, हाँ रेड कलर बिल्डिंग ऊपर से ग्रीन ग्रीन बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसको तो, हाँ इसको तो रेड एम्पायर भी कहते हैं ना, हाँ। तो इसको रेड एम्पायर भी कहते हैं। तो ओवरऑल भाई मुझे कैंपस में अगर कहूँ ना तो मुझे रेवेन्शा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। तो हमारी यूनिवर्सिटी में यूजी में जो है सारे इम्पीरियल कोर्सेज, सारे बीएससी के सारे ऑनर्स, देन बीए ऑनर्स, देन बीकॉम, ये सारे कोर्सेज तो है ही, साथ में अब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज भी 2016 से लॉन्च हुए हैं, जैसे कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ITM, IST, ये सब कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज लाइक ऑलमोस्ट सब मिल जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड बीएड आ चुका है अब। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारा उत्कल यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहाँ पे कितने सारे कोर्सेज है जो हमको मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो
जो नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस के जो भी सारे कोर्सेज हो गए, तो वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, जैसे कि MBA वगैरह वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो गया, MBA, MCA, लाइब्रेरी वगैरह भी है वहाँ पे, ठीक है। तो लाइब्रेरी का एक अलग कोर्स है जो कि शायद आपको रेवेन्सा में नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी के ऊपर कोर्स। हाँ, लाइब्रेरी का कोर्स होता है, उसका फुल नाम क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन लाइब्रेरी के ऊपर एक कोर्स होता है वहाँ पे, 2 साल के साथ कोर्स है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो आप वेबसाइट में देख सकते हो, ठीक है, चाहे वो रेवेन्सा हो या फिर उत्कल का हो। हम बस बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी हैं। उत्कल में जो है वो UG नहीं होता, PG ही होता है। उत्कल में स्टार्टिंग होता है PG से, तो वहाँ पे PG के बाद जो भी कोर्सेज हैं वो सारे मिल जाएंगे लगभग। और वहाँ पे शायद कोर्सेज थोड़ा ज़्यादा होते हैं, अगर आप देखोगे ना वेबसाइट में तो थोड़ा आपको ज़्यादा कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा रेवेन्सा के कंपेयर में। हाँ, और अगर ज़्यादा डिटेल जानना है कि मतलब कितने कितने कोर्सेज मिलते हैं, तो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन फ़ीस, जहाँ तक मेरा जो है फिज़िक्स ऑनर्स है, तो BSc फिज़िक्स ऑनर्स, तो एडमिशन फ़ीस जो मैंने 1500 दिया था 2020 बैच। और जो हम लोग की फ़ीस जो है कुछ नहीं होती, एग्ज़ाम से पहले 250 देना होता है हमको एग्ज़ाम का फ़ीस। और जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है तो उनको एक साल में 50,000 देना पड़ता है। और बात करते हैं हॉस्टल फ़ीस की, तो वो डिपेंड करता है, मेस फ़ीस आपकी हर महीने 1500 आएगी, एंड देन हॉस्टल फ़ीस जो है पूरे साल भर का वेरी करता है, 7,000 to 10,000, इतने में आपका पूरा हो जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे उत्कल यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहाँ पे जो है फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। जो सेल्फ फाइनेंस है उसका तो ऑब्वियसली ज़्यादा फीस होगा, 40 to 50 के अंदर में होता है जो भी है, ठीक है। MBA को छोड़ के, MBA थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 लाख के आसपास पड़ता है, लेकिन MBA को छोड़ के लगभग सारे, मतलब BEd हो गया, इंटरेड BEd हो गया, तो सबको 40 to 50 के आसपास मिल जाएगा। और जो नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं जिन्हें मतलब बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसका प्राइस जो है एडमिशन का वो है 9,000। आपको 5,000 लगता है सेमिनर फीस और 4,000 लगता है एडमिशन फीस। ये हॉस्टल में कितना लगता है, हॉस्टल में लगता है 5,000 रुपीज़ आपका लगेगा एडमिशन का, बॉयज़ हॉस्टल का। गर्ल्स का थोड़ा कम हो सकता है, 500-1,000 रुपये कम हो सकता है, लेकिन बॉयज़ का नॉर्मली 5,000 आपको लगता है। और जब आप हॉस्टल छोड़ोगे, ठीक है, जब आपका हॉस्टल छोड़ने का टाइम होगा, तो 2,500 मतलब हाफ आपको वापस मिल जाएगा क्वेश्चन मनी की तरफ से। और यहाँ भी शायद क्वेश्चन मनी हमें भी ऐसा कुछ बताया था, बट वो मुझे याद नहीं मिला नहीं तुम लोगों को, वो हॉस्टल छोड़ते वक्त मिलेगा। अच्छा, वो आपको लास्ट में मिलेगा, लास्ट में। हाँ, वो मेरे को अच्छे से याद नहीं है। हाँ, तो रेवेन्सा में आपको मिलेगा लास्ट में, लेकिन उत्कल में क्या होता है ना, हर साल आपको हॉस्टल चेंज करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में अलग हॉस्टल और सेकेंड ईयर में अलग हॉस्टल। तो फर्स्ट ईयर में मिस तो अभी चलता ही नहीं है, मैस नहीं चलता, तो मैस के बाद नहीं होगा, मैस चलता ही नहीं, मैस नहीं चलता, ठीक है, उसके लिए मैस नहीं चलता है। तो खाना पीना जो लड़के लोग खुद बनाते हैं, बहुत बच्चे लोग बाहर जाके खाते हैं, बहुत बच्चे लोग जोमेटो वोटो से मंगा लेते हैं। लड़कियाँ भी, लड़कियों का मैस चलता है, मैस के मामले में लड़कियों का ठीक है, उनका चलता है, और लड़कियों का मैस है पर मैस चलता नहीं है। वो जो हैं लोग जो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर जो आते हैं, वो बोलते हैं कि उनका जो है लॉस होता है अगर आप खिला रहे हो। बच्चे लोग, बहुत बच्चे हैं जो पैसे देते नहीं है, फ्री में खा लेते हैं, 3-4 महीने लास्ट में भाग जाते हैं, बोलते हैं नहीं है पैसे। अच्छा। तो इस वजह से उनको बहुत लॉस होता है और उन्होंने मेस बंद कर दिया। तो मेस के मामले में रेवेन्सा इज बेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, खाना पीना सब मिल जाता है। और रेंज खाने का कितना है यहाँ पे, पर मील का कितना चार्जेस है? पर मील 25, तो दिन में हमें 2 मील मिलता है, तो एक दिन का 50 हो गया, उस हिसाब से महीने का हमारा 1500-30 दिन। तो ब्रेकफास्ट नहीं होता? ब्रेकफास्ट नहीं होता, बट महानदी जो हॉस्टल है किसी किसी हॉस्टल में होता है। अच्छा अच्छा, तो रेवेन्सा में तो है मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह, बट कैफेटेरिया है तो वहाँ पे काफ़ी लाइक आपको मिनिमम रेट में मिल जाता है खाना, तो आप वहाँ से खा सकते हो। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है रेवेन्सा इसी वजह से आते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। जो मर्जी पहन सकते हो आप, आई वॉज वन ऑफ देम, 12th तक सबने बहुत यूनिफॉर्म पहन लिया। हाँ। अब यहाँ पे आप जो मर्जी पहन सकते हो, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, कोई कुछ नहीं बोलने वाला ना। उत्कल का भी सेम है, आप जो भी चाहे पहन सकते हो, यूनिफॉर्म में कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ बोला जाएगा, या फिर सेम यूनिफॉर्म है। अब हम बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसा होता है ना, कि ज़्यादातर बच्चों को मुझे लग रहा है यही जानना होगा कि पढ़ाई कैसी होती है, पढ़ाई कैसा होता है, क्लासेस होती है कि नहीं। हाँ। तो जैसे मैं कर रही हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है फिजिक्स ऑनर्स, तो मेरे को
फर्स्ट ईयर तो हमारा पूरा ऑनलाइन हुआ, बट टीचर्स जो मतलब जो प्रोफेसर्स थे वो काफ़ी रेगुलर थे, रोज़ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे. अच्छा. और अब मतलब जब से कॉलेज खुला है तो क्लासेस हमारी रोज़ होती है, और जो हॉल्स लेक्चर हॉल्स वगैरह वो काफ़ी बड़े बड़े हैं. आपको अलग एक्सपीरियंस, स्कूल से एकदम अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है. क्लासेस रेगुलर हो रहे हैं और जो प्रोफेसर्स है बहुत वेल क्वालिफाइड है. कोई मतलब हमारे प्रोफेसर्स सब IIT के पास आउट, मतलब IIT पास आउट से. अच्छा अच्छा. और अगर मैं बात करूँ उत्कल का ना, तो मैं सबका मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं बात करूँ सिर्फ अपना ज्योग्राफी का. हमारे ज्योग्राफी में क्लासेस नहीं होते, ठीक है, बहुत कम होते हैं. मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं पूरे 2 साल MA में इतना क्लास गया हूँ कि मैं क्लासेस में गिन सकता हूँ अपने हाथों पे, ठीक है. तो बहुत ही कम क्लास हुए वहाँ पे. मैं बात करूँ ज्योग्राफी का, ठीक है, और शायद दूसरे बच्चों को क्लासेस हो, तो इसको लेकर कोई इतना जज मत करना कि मतलब सारा कॉलेज ऐसा है, ठीक है. तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स एंड फर्दर करियर ऑप्शंस की, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है. लाइक आप अपना बैचलर्स डिग्री यहाँ से कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बदले में मिल क्या रहा है. तो कंपनीज जो है वो यहाँ आती है यूनिवर्सिटी में, हमारे बहुत ज़्यादा BTech जैसा तो वो सैलरी नहीं दे सकते, बट डिसेंट होता है वो. मास रिक्रूटर्स भी होते हैं, अच्छे वाली कंपनीज भी आती है. लाइक एवरेज 4 to 5 lakh जाता है. 3.5 to 5 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप पढ़ने में अच्छे, और आप जो हर सेमेस्टर में अच्छे से हमने पास किया, और जो रिक्वायर्ड जो GPA मांगा वो आप अगर सेटिस्फाई करते हो, फुलफिल करते हो, तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी. प्लेसमेंट जो है एक्चुअली वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जो है उनके लिए ज़्यादा होता है, और साइंस में भी लेते हैं वो. साइंस में लाइक फिजिक्स मैथ्स को ले लेते हैं, और कॉमर्स में शायद आते हैं बैंक कॉमर्स को भी लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉमर्स भी लेते हैं. हाँ, तो प्लेसमेंट आपका हो सकता है. और बाकी बच्चे तो हायर स्टडीज़ के लिए जाते ही है, तो आपको मास्टर्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी. तो हम बात कर लेते हैं उत्कल में प्लेसमेंट कैसा है, है ना. तो अगर मैं सच कहूँ तो उत्कल में प्लेसमेंट काफ़ी कम है. नॉर्मली अगर आप MBA कर रहे हो, फिर कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्स कर रहे हो ना, तो भी आपको मुश्किल से यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है, बहुत कम. एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ, मैं UG के बारे में बोल रही हूँ, PG का मेरे को कोई आइडिया नहीं. मैंने अपने सीनियर से बात की है, तो मुझे बस UG का ही पता है. तो ये बात कर रहे हैं UG का, और मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली PG का जो MBA वगैरह करते हैं वहाँ पे. और एक बात है कि अगर आप उत्कल में अगर आप MBA कर रहे हो ना, तो जो महंगा वाला जो MBA होता है उसका कोर्सेज का नाम क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एक ज़्यादा प्राइस वाला हो, ज़्यादा उसका एडमिशन का चार्ज लगता है, अगर वो करोगे तो आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है. ऑब्वियसली आप पैसे अगर ज़्यादा दोगे तो वही पैसे से लोग प्लेसमेंट वालों को बुलाएंगे, है ना. तो बात सिंपल है. तो अब बात करते हैं कट ऑफ्स की, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो कट ऑफ जो है वो पहली बात तो हर साल वेरी करता है, ठीक है. तो बट हम ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हैं. जैसे साइंस अगर चाहिए तो आपको 90+ लाना पड़ेगा, अगर कॉमर्स चाहिए तो फिर 80 to 85 आप लेके चल सकते हो, और आर्ट्स जो है वो आपका हो जाएगा 75+. पर सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए आपके 60+ है, तो आपका हो जाएगा. पर इस पर मतलब इस पर आप एकदम रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हर साल जो है चेंज होता रहता है. पूजा का ये कहना है कि हर साल कट ऑफ जो है वेरी करता रहता है, हर डिपार्टमेंट से कट ऑफ अलग होता है. सबको जो होता है रिजर्वेशन, वो भी थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है. रिजर्वेशन, हाँ, रिजर्वेशन बहुत है एक्चुअली. इस यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है. गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशन होता ही है ना, गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशन होता ही है. और बात करें PG की, तो PG में आने के लिए तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और वो तो उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है. एंट्रेंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सिलेक्शन होने का चांसेस है, खराब कर रहे हो तो चांसेस कम है, बस इतनी बात है. और उत्कल का भी सेम ही है, मतलब उत्कल में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एंट्रेंस में तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन का चांस. ओडिशा में हाईएस्ट कट ऑफ आई गेस PG एंट्रेंस में भी इन्हीं दो यूनिवर्सिटी के जाते होंगे. हाँ, कट ऑफ की बहुत मतलब रश होता है, ये दो कॉलेज के लिए बहुत रश होता है. हर कोई ओडिशा में इन्हीं दो यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है. हर कोई जाता है, मैं उत्कल में जाऊँ, मैं रेवेन्शा में जाऊँ. बड़े कॉलेजेस हैं, अच्छे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोगों को यहाँ पढ़ना है, अलग ही क्रेज़ है. मतलब यहाँ पे मतलब जो हमारे जो पड़ोसी स्टेट्स हैं, ठीक है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो बच्चे लोग वहाँ से पढ़ने आते हैं. और इनफैक्ट हमारे टाइम में कोई फॉरेन कंट्रीज से आया था, कोई दो लड़के लड़कियाँ थे. यहाँ पे भी है, अभी भी है. हाँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका से. अफ्रीका से, हाँ, हमारे टाइम में भी अफ्रीका से आए थे. तो हमारा कहना ये मतलब कि लोग बाहर से पढ़ने यहाँ पे आते हैं. तो अभी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो जो रेवेन्शा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एकदम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा एकदम टॉप नॉच. मैं नहीं बोलूँगी कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इम्पीरियल, बहुत ही रॉयल सा इंफ्रास्ट्रक्चर है. मतलब ये ब्रिटिश के टाइम में बना था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है. इसको इसीलिए रेड एम्पायर भी बोलते हैं. इस वीडियो तक पहुँचे तो उन्होंने
रेवेंशा की कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखी होगी, तो आपने यहाँ का ड्रोन शूट ज़रूर देखा होगा, ये ऊपर से कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। उत्कल का कैंपस अगर मैं कहूँ तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैंपस ही बहुत खूबसूरत हो, सुंदर दिखे, है ना, रात में लाइटिंग वगैरह हो, जैसे कि पीछे फोटोज अच्छी है, हाँ फोटोज वगैरह अच्छे हैं, हम शो ऑफ कर सकें, है ना, प्लेग्राउंड्स वगैरह हो, जिम वगैरह अच्छा हो, तो वैसा आपको उत्कल में देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप पढ़ाई कर सकते हो, लाइब्रेरी वगैरह है, बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, वहाँ पर बहुत सारे बुक्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं थोड़ा हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो अगर आप लड़के हो तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, लड़के लोग तो जब मर्जी तब आते हैं, जब मर्जी से निकलेंगे, जब मर्जी अंदर जाएंगे, हाँ प्रॉब्लम होता है लड़कियों को, लड़कियों को, हाँ। तो हमारा जो इन टाइम है वो फिक्स है, इन टाइम मतलब 9 बजे हमको हॉस्टल के अंदर पहुँच जाना है, एनी हाउ पहुँचना है हमें, वरना घर को कॉल जाएगा सीधे। और सुबह जो है तो वो नंबर लेके रखते हैं पहले से, हाँ नंबर होता है उनके पास पेरेंट्स का, अगर तुम लेट किया तो कॉल कर देंगे, कॉल जाएगा घर पे, फिर हमें बताना पड़ेगा कहाँ थे, क्या कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और सुबह जो है गेट खुलेगा हॉस्टल का 6 बजे, तो 6 बजे से पहले आप निकल नहीं सकते। एंड टाइम कितने बजे? शाम को 7 बजे, 9 बजे पहले, 9 हो गया है सबका, सबका गर्ल्स का, हाँ। तो 9 बजे तक लड़कियां बाहर घूम सकते हैं, बिल्कुल, वाह ये तो बहुत अच्छा है, हाँ। है ना, कैंपस से घूमते रहो, कैंपस के बाहर कहीं भी जाओ ना, हाँ हाँ कैंपस के बाहर भी आप, बट 9 बजे आपको आना पड़ेगा कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर। तो गाइस ये था इनका गर्ल्स हॉस्टल का, बॉयज़ में तो ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, ना रेवेंसा में ना ही उत्कल में, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, मत आओ तो भी ठीक है। गर्ल्स का भी नहीं, बॉयज़ का, हाँ करो बॉयज़ का, गर्ल्स का तो मतलब शायद शाम को 7 बजे तक है, 7 बजे के बाद वो बाहर जा नहीं सकते, 7 से 7:15, 7:20 तक हो सकता है, पर उतना ज़्यादा उन्हें शायद कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब वही सेम मतलब घर पर कॉल जाएगा, वैसा ही होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, आपको हर हफ्ते 2-3 इवेंट देखने को मिल जाएंगे, तो कोई मौका नहीं छूटने वाला है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपना टैलेंट शोकेस करने की। अगर स्कूल टाइम में आपको मौका उतना नहीं मिला है, तो यहाँ पर भरपूर मौका मिलने वाला है, आप यहाँ पर अपना कोई भी टैलेंट शोकेस कर सकते हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, लाइक डांस म्यूज़िक के लिए हमारा कल्चरल है, फिर ड्रामा क्लब है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है ना, हाँ स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्रिकेट हो या फिर यहाँ पे तो मतलब स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट भी होता है, हाँ यहाँ पे स्टेट लेवल के प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए हमारे इस ग्राउंड में, बगल में है ना, बगल में ग्राउंड दिखा देता हूँ आपको, अभी तो अंधेरा है, तो ये जो है बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, पीछे में पूजा जो है इसी बारे में बात कर रही है, हाँ तो यहाँ पे स्टेट लेवल के प्लेयर्स आते हैं, कभी कभी नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे उत्कल का, तो उत्कल में जो है ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होता है पर बहुत ही कम होता है, मैं कहना चाहूँगा सेलिब्रेशन होता है लेकिन बहुत कम होता है, इतना भी नहीं कि मतलब जितना रेवेंसा में होता है उतना नहीं होता, लेकिन काफ़ी कम होता है, मतलब गिन चुन के अगर मैं कहूँ तो मैंने 2 साल में शायद एक भी नहीं देखा 2 सालों में शायद मैंने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, पता नहीं कब हुआ नहीं हुआ लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा, तो ओवरऑल बहुत ही कम होता है, होता होगा बहुत कम होता होगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स डे वगैरह भी वहाँ पे होता है, शायद क्रिकेट का एक मैच हुआ था, मैंने देखा था 2 साल में, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था वहाँ पे क्रिकेट का कुछ मैच हुआ था वहाँ पे, तो को मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों में तो रेवेंसा इस चीज़ में अवर यूनिवर्सिटी विंस। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो, हमने जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी ज़्यादा पसंद आता है, लाइक आपके लिए अगर पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ जा सकते हो, अगर आपको पढ़ाई के साथ कॉलेज लाइफ भी चाहिए तो आप यहाँ रह सकते हो यूनिवर्सिटी में रेवेंशा में। तो और अ वेरी बिग थैंक्स टू भैया, सुमन भैया, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ही केम ऑल वे लॉन्ग फ्रॉम भुवनेश्वर टू हेल्प मी विद दिस वीडियो। यार मैं अपने जूनियर्स का हेल्प करने के लिए इतना दूर तो आ ही सकता है ना, बस यही था, इसमें कुछ थैंक्स इतना जरूरत नहीं है, हाँ। और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं आपको हम दोनों के इंस्टा हैंडल भी दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हो, एंड गो चेक हिज चैनल, क्योंकि उनके चैनल पे उत्कल के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ कवर हो रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छा उत्कल की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल इनका भी, हाँ, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।